खान साहब वापस आएगा। वो तो वापस नजर नहीं आ रहा कि वो इंशाल्लाह आएगा, उम्मीदें हैं हमारी। ऐसे करा ना अर्जुन, आए थे इधर शहबाज शरीफ, तो इसीलिए आया नया पाकिस्तान बनाने। अच्छा, वो घर से निकलते ही निकल के मरियम इतना काम कर रही है, मरियम आपके लिए पुलिस वर्दी ऊपर डाली थी, नीचे फौज के बोर्ड डाले थे उसने। खुसरो ने क्या हालात किए पुलिस? हाँ, खुसरो ने, हाँ वो काम इसके साथ भी होने, मरियम के साथ। वो कह रहा है गंदम मंगाई है, कुकीन तो नहीं मंगाई। तो गंदम हमारा अपना गंदम क्या करेंगे? उस दौर में मैंने दोनों शादी की है। दोबारा आ गया तो आप चार शादियां कर लो, अल्लाह करम 10 कर लें, वो तो हमारा उससे कर दी है। उसने आपकी तकदीरें बदल देनी है। अब जाए लीक वाले, उनकी समझ सिर्फ गधे को लगेगी और किसी को नहीं लगेगी। पटवारी के साथ बहस करना गधे को घास देने के बराबर है। मर्दों वाले काम करो, हम आपके साथ मर्दों वाले काम। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महम ख्वाजा और आप देख रहे हैं हीली टीवी। और आज मैं मौजूद हूँ ओरिगा में, पीछे यहाँ पर वाजे आपको सुनाई दे रही है, रश बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग हो रही है और हम यहाँ पर मौजूद हैं अपना एक सवाल लेके। लेकिन आज हम कॉमन सेंस का सवाल नहीं करें, आज हम लोगों से पूछ रहे हैं कि नया पाकिस्तान कब बनेगा। लोग बहुत कहते हैं नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान कुछ बनेगा, लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं लोगों से पूछ रहे हैं कि भाईजान नया पाकिस्तान कब बनेगा। तो आइए मेरे साथ, मुझे बताएं नया पाकिस्तान कब बनेगा। नया पाकिस्तान जब बनेगा, खान साहब वापस आएगा। वो तो वापस नजर नहीं आ रहा कि वो इंशाल्लाह आएगा, उम्मीदें हैं हमारी। उम्मीदें हैं क्या, कैसे आएगा ये बताएं मुझे। अब वो जल्द आ जाएगा, अब हमें सीटें वापस मिलने शुरू हो गई है। क्या जैसे करा ना अर्जुन, आए थे इधर आओ सारे। अच्छा नहीं, बाकी नया ये शहबाज शरीफ नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे नया पाकिस्तान। क्या हो गया आप? ये 35 साल पे नहीं बना सके, वो आप बनाएंगे? आप बनाएंगे 35 साल पहले कहाँ से? नहीं, अब वो आए इसीलिए शहबाज शरीफ, तो इसीलिए आया नया पाकिस्तान बनाने। अच्छा, नवाज शरीफ जो आया था? हाँ नवाज शरीफ, वो घर से निकलते ही नहीं, कभी मीडिया में देखे आप लोगों ने कभी? मरियम इतना काम कर रही है, मरियम आपके लिए क्या काम किया उसने? एक उसने वर्दी, पुलिस की वर्दी डाली थी, वर्दी क्या पास में, पास में उसने पुलिस वर्दी ऊपर डाली थी, नीचे फौज के बोर्ड डाले थे उसने। क्या हो गया औरत? दोनों इदारों को उसने वो कर दिया। अब सानिया हुआ 5 मई का हुआ है ना, 5 मई का। हाँ 5 मई के सही सानिया देखे ना, खुसरो ने क्या हालात किए पुलिस? हाँ खुसरो ने, हाँ वो काम इसके साथ भी होने, मरियम के साथ। नहीं ऐसी बातें नहीं करें, वो आपके लिए इतने काम कर रही है। हाँ दिन रात हमारे लिए की है उसने, है ना, दिन रात कर रही है। हाँ वो दिन रात हमारे लिए की है। वो आपको नया पाकिस्तान बना के देगी। क्या बना के देगी? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान या मैं पुराना ही चंगा था, छोड़ उसको, बोले आप छोड़ दे उसको। पुराने पाकिस्तान में खुश है? पुराने पाकिस्तान में खुश है। वो आपकी इतनी मदद कर रही है, अभी देखे उसने क्या किया, उसने आपको हेल्थ बस बना के दी है, वो चलना शुरू हो जाएगी। क्या बस? बस के अंदर आपको दवाइयाँ भी मिलेंगी, दवाइयाँ घर पे मिलेंगी। अब मीडिया वाले ना, वो किस कहता हूँ, उस्मान गुलजार कहता, वो आप चेक कर ले। देखो काम कौन कर रहा है? उस्मान गुलजार ने तस्वीर नहीं लगाई थी? नहीं लगाई थी। मरीजों की दवाई तस्वीर लगाई थी, और जो गरीब मर रहे हैं, जिसने गंदम उगाए थे इतना ज्यादा, वो वो क्या कर रहे हैं उसके साथ? उनकी उसने खराब कर दिया सारा कुछ। मैं बाहर से कपड़े लेके आऊँ तो पाकिस्तानी कपड़ा कहाँ लेके जाएंगे? बाहर वाले हमारे से पाकिस्तानी कपड़ा लेंगे? तो कह रहा है गंदम मंगाई है, कुकीन तो नहीं मंगाई। तो गंदम हमारा अपना गंदम क्या करेंगे? रोडों पे ऊपर लगी हुई, जाके जाए देख ले, बावलपुर जाए। हम मैं गया तो खुद बावलपुर। आपको कैसे लगता है इमरान खान ही ठीक कर सकते? इंशाल्लाह वो ठीक करेगा। कैसे कैसे? उसने 3.5 साल में नहीं किया? नहीं किया। आप कसम उठाए, अपने आपको नहीं पता है उसने सही नहीं किया था? क्या किया बताओ, मुझे नहीं पता। यकीन उस दौर में मैंने दोनों शादी की है। आप बताए। क्या किया? दो शादियाँ की? यकीन कर दो शादियाँ की हैं इमरान खान के दौर में। तो वो तो यही कहते हैं कि इमरान खान ने ना बदतमीजी सिखाई है बच्चों को। छोड़ो बदतमीजी, शादी करना कोई बदतमीजी नहीं, वो ये कहते हैं अब शादियाँ हमें एक शादी दो। ना 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 ना, किसी के साथ वैसे फिरना, डेट मारना और शादी निकाह करके, वो अच्छा होता है कि डेट मारना? डेट मार लोग तो डेट मारते हैं। डेट अच्छे होते कि निकाह? निकाह कर, निकाह अच्छा होता है ना, तो वो कर रहे हो, अच्छा नहीं होता है। उसकी दोबारा आ गया तो आप चार शादियां कर लो, अल्लाह करे 10 कर ले, वो तो हमारा उससे कर दी है। 10 शादियां कर लो इंशाल्लाह। नया पाकिस्तान कब बनेगा? जब इमरान खान इंशाल्लाह, इमरान खान जब आएगा ना इंशाल्लाह। वो नहीं आया तो क्या होगा? मरियम नवाज आई है, मरियम नवाज आई है। कर सकते, ये अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ी लिखी है, डिग्री है उसके पास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फजूल है। नहीं क्या हो गया, सोच बदलो मरियम नवाज। सोच कैसे बदले? क्या हुआ? आप कसम उठा, उसकी डिग्री अपनी है? डिग्री अपनी नहीं, अपनी शर्त लगाओ इसमें, मैं तुम्हें लाख रुपए शर्त लगा, उसकी डिग्री अपनी नहीं है। 8 लाख रुपया शर्त लग रहा है? डिग्री अपनी नहीं है उसकी, शर्त लगाते हैं। उसकी डिग्री नहीं है। अरे कैप्टन सफदर कौन था मुझे पता है? कैप्टन था नहीं था, वो ड्राइवर था एक, वो एक ड्राइवर था, रातों रात को कैप्टन बना दिया।
ये भी देखना, वो आपके लिए काम कर रही है, क्या हो रही है, तो वैसे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, बेड़ा गर्क कर दिया हमारे लोगों को, उसने आपकी तकदीरें बदल देनी है। अब जाए आप, मैंने इनको कहा है मरियम नवाज आपकी जिंदगियां बदल देगी। बुज़दार ने चार साल में नहीं किया ना, उसने दो महीने में कर दिए, कर दिए है। सही बात है, इधर आए आप, इधर आए, ओरिजिनल चीज देखो कि क्या हुआ, हो रहा है। हाँ, क्या हो, प्रैक्टिकल देखो कौन करता है, बातों से तो सब कुछ हो जाता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करो, पता चले कि क्या हुआ है। आप बताएं मरियम नवाज ने कितने काम किए आते, ये बताएं। उसने जो दो महीने काम, जितने में दो महीने में हो सकते हैं, वो तो उसने सारे किए हैं। बिल्कुल, ये वर्दी पे बड़ी बातें करते हैं। कौन? ये जो मरियम नवाज ने वर्दी पहनी थी पुलिस वाली, उसमें बड़ी बातें करते हैं। इसमें कौन सा गलत काम है? पाकिस्तान की वर्दी है ना, पाकिस्तान की पुलिस है ना, कोई हमारी दुश्मन थोड़ी है। बिल्कुल, ये पीटीआई वालों की दुश्मन है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि उनकी वर्दी क्यों पहनी है। पीटीआई वाले क्यों खिलाफ है मरियम के इतना? ये तो पटवारी जो होते हैं ना, उनका तो दिमाग, वर्दी पहने कुछ रहे, उसके मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? अभी वो जवाब दे, पुलिस कितनी बदतमीजी हुई इसके साथ, पुलिस के साथ नहीं हुई कभी, किसी चौक पे, किसी चौक, किसी और चौक पे कभी नहीं हुई हमारी पुलिस। जहाँ पे पाकिस्तान है ना, इतनी बड़ी आवाम है, ये 9 मई भी तो हुआ है ना, 9 मई भी नहीं हुआ, 9 मई भी नहीं मारा उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, पीटीआई वालों ने भी तो मारा, ये तो गलत किया ना उन्होंने 9 मई। जब धरना हुआ था इस्लामाबाद में, देखा याद है आप? इस्लामाबाद में जब धरना, तो वहाँ पे एक आईजी को मारनी पड़ी थी बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल, आईजी इस्लामाबाद को, ये चीजें नहीं पता इनको। पीटीआई वालों को समझाए कि मरियम ने ही ठीक करना है। नून लीग वाले, उनकी समझ सिर्फ गधे को लगेगी और किसी को नहीं लगेगी। गधे हैं ये, गधे हैं, इनको दुनिया का नहीं पता है, सिर्फ ये देखते हैं कि वो उस पे माइक पे चढ़ के ना बदतमीजी कौन करता है, गालियां कौन देता है। आप लोग वो कहते हैं आप लोग बदतमीज हो गए। ओहो, कौन सपोर्ट करते हैं? हो गया हमारा लश्कर बहुत है, माहौल जैसा बेस वैसा बेस, इनके मेरी बात पटवारी के साथ बेस करना, छोड़ो छोड़ो इनको, ये उनकी बात सुन ले, उनकी भी बात। इधर पटवारी के साथ बेस करना गधे को घास देने के बराबर है, वो मेरी बात सुनो, ये कहते थे हमारी रेड लाइन है, एक दफा पकड़ के 10 अंदर हुए ना, 20-25 पीछे कोई निकल भी नहीं रहा उसके लिए। अब ये वाला सवाल है, निकलो ना रोड पे, ये सारे पीटीआई वाले बाहर क्यों नहीं निकले फिर? बचाओ ना उसको जेल से, आप क्यों नहीं रहे हो उस टाइम? तो माँ बहन जो होती है ना, माँ बहन हर किसी को प्यारी होती है। हमारे गिरेवान को हाथ डालो, हम बाहर आते हैं, किसी की माँ को हाथ नहीं लगाते हो। उमर फारूक की माँ के गिरेवान को हाथ डाला है, हमारी गिरेवान पे हाथ डालो, हम बाहर आते हैं। ये गलत है, किसी की माँ गिरेवान पकड़ोगे तो कौन बाहर आएगा? मेरी बात सुने, अगर हम आपको कहते हैं कि हम आपकी बहन उठा लेंगे, माँ उठा लेंगे, कौन बाहर आएगा? कोई भी नहीं आएगा। हमारा गिरेवान पकड़ो, मर्द बनो, मर्दों वाले काम करो, हम आपके साथ मर्दों वाले काम, हिजड़ों वाले काम कर रहे हैं, हिजड़ों वाले काम। कोई भी बाहर नहीं आया, कोई भी बाहर नहीं आया। तुम्हारी बहन को कोई उठाता है, तुम बाहर आओगे? बिल्कुल नहीं आया। माँ बहन की तहफ्फुज़ की वजह से कोई बाहर नहीं आ रहा। दलेरी की बात है तो सारे मर्द ये कह रहे हैं कि कोई बाहर नहीं आया, और तहफ्फुज़ के लिए हमारी रेड लाइन है। खान साहब ने खुद क्या बाहर ना हो, अब खुद पे बात आ गई, बात आई है। वो कह रहे हैं बात, ये जवाब दे। मैं इनसे बात क्यों नहीं करता, ये लड़ने पे आ जाते हैं, फिर ये बदतमीजी वाली बात करते हैं। समझ आ गई आपको? सही बात है, सही बात है।